खाला जान, अब रूबी के साथ साथ उसकी मां की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। बुरा करने वालों के साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। हाँ बेटा, हमने हीना के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, उसका अंजाम क्या हुआ? हम लोग भी बेघर हो गए। मेरा बेटा मुझे छोड़ के ना जाने कहाँ चला गया। पता नहीं मेरा मैक मुझे कब मिलेगा। खालाजान, वो आ जाएगा, वो लौट आएगा। लेकिन कब? जब मैं मर जाऊंगी तब? तुम्हें क्या पता मैंने उसका सदमा किस तरह से बर्दाश्त किया हुआ। अक्रम, मैं मर जाऊंगी, ये मेरे पहले जा मर जाए। खालाजान देखिए, एक बार मैं अपने रहने की जगह ढूंढ लूं, उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि मुझे तलाश करके लाऊंगा। लेकिन आप प्लीज इस तरह रोइए मत खाला जान, आप चुप हो जाइए प्लीज प्लीज खाला जान। यही जगह है तुम दोनों के लिए। जाओ जाओ, अंदर जाओ, जेल की काल कोठरी तुम दोनों का इंतजार कर रही है। यह तुम्हारी गलत फहमी है, हम ज्यादा देर तक यहां नहीं रहेंगे। अच्छा, यहां तुम्हारा अपना है ही कौन? तुम दोनों की हरकतों की वजह से हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो गया है। तुम दोनों की जमानत देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। नहीं, अकरम, अकरम यहां आकर हमें छुड़ाएगा। अच्छा, अकरम छुड़ाएगा? हाँ हाँ, मैं मानता हूं कि वो पागल था रूबी के लिए, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी है। तुम दोनों की जमानत करवाकर वो अपने पागलपन का सबूत नहीं देगा। दो घंटे के अंदर तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन, जो भी समझो, यहां आकर हमें यहां से छुड़ा कर ले जाएगा। तुम सुल्ताना को नहीं जानते, मैं रूबी की मां हूं। तुम और तुम्हारे दुनिया वाले बस देखते रह जाओगे। देख लेना, ये सुल्ताना का चैलेंज है। चले हवलदार साहब। मामा, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि अकरम हमें छुड़ाएगा क्यों? इसीलिए तो मैं कह रही थी कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम बस देखती जाओ। तुम्हें भी नहीं पता कि मेरे पास तुरुक का इक्का मौजूद है। अकरम खुद यहां आकर हमें इस जेल से निकालेगा। उसके बाद मैं भी तुम्हें दिन में तारे दिखाऊंगी रूबी। हेलो, कौन? मुबारक। हाँ बोलो शगुफ्ता। आज का अखबार देखा? हाँ, गुलनार तुम्हारे सदमे से बिस्तर पर पड़ी है और समीर के अब्बू का हाल भी बुरा है। हीना के अब्बू का क्या हाल है वो तुम्हें बयान भी नहीं कर सकती। तो भला हो समीर का जिसने हमारी आंखें खोल दी। मुझे सब पता चला है। हीना का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, समीर दिन रात उसे तलाश कर रहा है। जानती हूँ, समीर ने हमसे भी वादा किया है कि वो हीना को ढूंढ निकालेगा। बस इसी वादे को निभाने के लिए तो दिन रात एक कर रहा है। जब से ठीक हुआ है यही तो करता रहा है। एक मिनट, शगुफ्ता आंटी का फोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या कहूं आपको, बस हीना का कोई पता नहीं चला, लेकिन लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखिए, पाक परवरदिगार के घर में देर है अंधेर नहीं, हीना का पता चल जाएगा। बेटा कुछ तो ख्याल रखो अपना। मेरा ख्याल रखने के लिए आप है, अम्मी है, अब्बू है, लेकिन लेकिन हीना का कोई नहीं। मैं जानती हूं, लेकिन अभी तुम एक लंबी बीमारी से उठे हो, आराम तक नहीं किया। खाला जान, जब तक मैं हीना को ढूंढ कर नहीं निकालूंगा, मेरे लिए आराम हराम है। हर पल हर लम्हा मुझे यही फिक्र खाए जा रही है कि न जाने हीना किस हाल में होगी, कितनी मजबूर, कितनी बेबस। खुदा करे वो जल्दी ही मिल जाए। बैठो, मैं चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। आप क्या जाने खाला जान कि मेरे दिल की हालत क्या है। आज हीना जिस हाल में है उसका जिम्मेदार मैं हूं, उसकी बदनसीबी की शुरुआत मैंने की थी, अब उसे ढूंढ निकालना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हेलो, समीर बोल रहा हूं, हीना का कुछ पता चला? अकरम कुछ करो, तुम्हारी रूबी ने तो हमें सड़क पे लाके बिठा दिया। मैं कोशिश कर रहा हूं ना खाला जान, कर रहा हूं मैं कोशिश। हेलो, हाँ मैं अकरम बोल रहा हूं, मैंने आपको पहले भी फोन किया था, क्या हुआ? देखिए मेरे मकान का इंतजाम होना बहुत जरूरी है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत मेरा मकान है इस वक्त। आप सोचिए तो सही कि मैं जाऊंगा कहां। देखिए देखिए, इस वक्त सबसे जरूरी है हीना का पता चलना, बाकी जिंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन लेकिन हीना का मिलना बहुत जरूरी है। देखिए एडवांस तो इस वक्त मैं ज्यादा दे नहीं सकता, लेकिन प्लीज आपको कुछ भी करके मेरे लिए मकान का इंतजाम करना होगा। आप सोचिए तो सही कि इस तरह घर से निकाल देने के बाद एक आदमी जाएगा कहां। देखिए मैं ये सोच के और परेशान हो रहा हूं कि घर से निकलने के बाद हीना कितनी परेशान होगी। प्लीज प्लीज हीना का पता लगाने के लिए आप दो चार और लोगों को काम पे लगा दीजिए। जी हाँ, थैंक यू। खाला जान, हीना का पता लगाने के लिए मैंने कुछ और लोगों को कहा था, उन्हीं में से एक का फोन था। थैंक यू वेरी मच। खाला जान, घर का इंतजाम हो गया है, अब हम बेघर नहीं रहेंगे। अकरम, क्या तुम्हें अब एहसास हुआ कि बेघर होना कैसा लगता है? कितनी तकलीफ होती है, बेचारी हीना को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा होगा, इसका एहसास जागा या नहीं? बस बस खाला जान, हर वक्त उसकी बात मत किया कीजिए, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, उसकी हमदर्दी करना बंद करिए आप। हेलो, हाय अकरम, मैं बोल रही हूँ। तुमसे बात तक नहीं करना चाहता। अरे अरे फोन काटना मत, बात करो मुझसे। जख्म देने के बाद अब उस पर नमक छिड़क रही तुम? कहाँ अकरम, मैं तो तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ, आखिर तुम मेरे शौहर जो हो। अच्छा एक काम करो, जल्दी से यहाँ आ जाओ और मेरी मामा की जमानत दे दो। नहीं, पैसे वैसे सब है मेरे पास, वो क्या है कि दस्तखत। तुम जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। तुम मुझे बेशरम कह रहे हो? अरे सारी दुनिया तुम्हें बेशरम कह रही है और तुम मुझे बेशरम कह रहे हो। चलो ठीक है, मैं अपनी बेशर्मी दिखा देती हूँ। एक काम करो, जल्दी से यहाँ आ जाओ और मेरी मामा की जमानत दे दो। मैं वहां पर नहीं आऊंगा। तुम आओगे अकरम, तुम जरूर आओगे। अरे तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं वहां पर आऊंगा? वो मैंने इसलिए सोच लिया क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मैक और सबा का पता चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं?
इसलिए मैं कहती हूँ यहाँ आ जाओ, मेरी और मेरी मामा की जमानत दे दो और मैक और सबा का पता ले जाओ। बाय। शुक्रिया नहीं अदा करूंगी, और वैसे भी तुमने एक सौदा किया है हमारी जमानत देकर, हम पर कोई एहसान नहीं किया। रहने दो बेटा, अपनी बातों की वार करके इसे और परेशान मत करो। देखो कितना परेशान लग रहा है बेचारा, धक्के पे धक्के खा रहा होगा, है ना? तेरे घर की चाबियां, तुम्हें जिस चीज की तलाश है वहां मिल जाएगी। चलो बेटा, अपने बंगले की चाबी है मेरे पास, चलो। ये लीजिए खाला जी। और तुम? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं हीना को ढूंढने जाऊंगा। लगता है मैंने जो तुम्हें कहा उसका एहसास होने लगा है। हीना के साथ किए गए सलूक पे अफसोस हो रहा होगा ना तुम्हें? इसमें अफसोस करने की क्या बात है? मैं हीना को ढूंढ के लाऊंगा और उसे अपने साथ रखूंगा। वो मेरी बीवी है, मेरा हक बनता है। तुम नहीं सुधरो, नहीं सुधरो। ये हालत सुल्ताना ने बनाई। आप ये बताइए, हीना भाभी कहाँ है? अकरम से ढूंढने गए हैं। हीना का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। क्या? अकरम हीना बाजी को ढूंढने गए? पहले तो उन्होंने हीना बाजी पर इतना जुल्म किया, उन्हें घर से निकल जाने दिया, और अब वो उन्हें ढूंढने गए? मैं उनसे बात भी नहीं करना चाहती। सबा। मैं, तुम चुप रहो। तुम तो हमेशा अपने भाई की हिमायत करते हो। प्लीज अब तुम दोनों आपस में मत लड़ो। ये तो अकरम की तकदीर है। तकदीर भी क्या चीज होती है बेटा। जिन दो मर्दों ने हीना को ठुकराया, आज वही दोनों उसे दर बदर ढूंढ रहे हैं। देखते हैं कौन ढूंढता है हीना को, किसे मिलती है हीना। जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरी मुसीबतें बढ़ गई हैं। हीना कब से तलाश कर रहा हूं तुम्हें, कहां खो गई? मिल भी जाओ। और कितना भटकाओगी मुझे? हीना तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। मुझे अपनी परेशानी की नहीं तुम्हारी फिक्र है हीना। किस हाल में होगी तुम, क्या बीत रही होगी तुम पर? तुम्हें अपनी नहीं तो कम से कम मेरी फिक्र तो करो। एक बार मुझे मिल जाओ हीना, मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। सबने तुम्हें गलत समझा,
उनकी इस भूल की इतनी बड़ी सजा मत दो हीना। खुदा का वास्ता है, लौट आओ। को तलाश कर रहा है ना? मैं अपना मकसद तलाश कर रहा हूं और मेरी मंजिल हीना है। तेरी मंजिल तेरा अपना घर है, भूल जा हीना को। यही बात मैं तुझसे कहना चाहता था। देख, तेरा उससे कोई नाता नहीं, लेकिन मेरा अब भी उससे नाता है। ये बात किसी और से मत कहना, क्योंकि अगर तूने ये बात किसी और को कही तो वो तुझे खुद गर्ज समझेगा। अपनी बीवी पर हक जमाने को अगर तू खुद गर्जी कहता है तो यही सही। तू भी एक बात अच्छी तरह से समझ ले कि अब मैं तुझे हीना की खुशियों में आग लगाने नहीं दूंगा। एक शोहर और उसकी बीवी के बीच में बोलने का तुझे कोई हक नहीं है। बड़ा घमंड है ना तुझे कि तू हीना का शोहर है। दरअसल ना तो तू अच्छा शोहर साबित हो सका है, ना अच्छा बेटा, ना अच्छा दोस्त। अरे सच तो यह है कि तू अच्छा इंसान ही साबित नहीं हो सकता। वही बात जो कभी मैंने तुझसे कही थी आज तू मुझसे कह रहा है। हाँ? भूल गया कि हीना के जज्बात को पहले तूने कुचला था, हीना को तलाक पहले तूने दिया था। भूल गया उसकी शोहर परस्ती को। हाँ मैंने गलती की है, लेकिन मैंने गलती करके पछताया है। और तू तू तो मुझसे भी बदतर निकला। देख, इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर मैं चुप हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी मुझे तेरी मेरी दोस्ती पर नाज था, फक्र था हमारी दोस्ती पर। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस दोस्ती को भूल जाऊं। हीना को भूल जा, यही तेरे लिए अच्छा होगा और हीना के लिए भी। और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, एक ना एक दिन मैं हीना को तो ढूंढ कर निकालूंगा ही, और यही बात मैं तुझसे कहेगी। नहीं, ये नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे हीना की वफा पर यकीन है। हीना की वफा को छोड़, जा जा, रूबी की बेवफाई तेरा इंतजार कर रही है, वो तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। मॉर्निंग मैम, कैसे फील कर रही हैं आप? पहले से बेहतर हूँ। देखिए अखबार में आपकी तस्वीर छपी है। इसका मतलब है समीर ठीक हो गए। अब वो मेरी बेगुनाही का सबूत भी दें तो क्या? मैं अकरम से अब कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। मैं अब समीर से भी मिलना नहीं चाहती, फिर किसी इल्जाम की वजह नहीं बनना चाहती। और अकरम से अब मिलना तो क्या, उनकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं मुझे। या खुदा, उन दोनों में से किसी से भी सामना हो गया तो क्या करूंगी मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। आप? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।